सो वी आर गोइंग टू डू आर टूडे लेक्चर दैट इज लॉजिकल फंक्शन. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लॉजिकल फंक्शन, वॉट इज लॉजिकल फंक्शन इन एक्सेल एंड हाउ टू वर्क ऑन दिस टॉपिक, राइट. सो देर इज अ वन सिचुएशन इन विच वी हैव क्रिएटेड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड इन देयर मॉड्यूल्स बी ए टैली बी सी ए एंड देयर टोटल मार्क्स इज दिस, ठीक है ना. तो हम लोग इसमें फाइंड आउट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं टू गेट दीज फील्ड्स लाइक पास, वेदर इज द पर्सन इज पास और फेल, वॉट इज देयर परफॉर्मेंस, इफ दे आर एलिजिबल टू गेट द इंटर्नशिप और दे आर एलिजिबल टू गेट एटीजी कार्ड. तो हम लोग ये चीज सब फाइंड आउट करने के लिए सोच रहे हैं. अब इसके लिए मैंने क्राइटेरिया बनाया है यहां पर. इस क्राइटेरिया के बेस पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये सब चीजें आप लोग को मिल सकती है कि नहीं मिलती. और यहां भी लोगों के नाम है, यहां पर यहां भी लोगों के नाम बनाए मैंने. तो यहां पर आपके बीए का पेपर हो चुका है, पहली पेपर इज डन, बीसीए इज डन, टोटल मार्क्स जो आए हैं आपके 100 में से मार्क्स आए हैं. अब हमें ये देखना है, पहले हमें ये देखना है कि जो टोटल मार्क्स आए आपके यहां पर आ चुके हैं, अब पहले ये देखना है कि पास हुआ या नहीं पास हुआ. तो फॉर गेटिंग दिस रिजल्ट वी हैव अ वन कंडीशन, लाइक इफ अ पर्सन इज गेटिंग मोर देन 170 देन ही इज पास, ठीक है ना. अगर वह 170 से ऊपर स्कोर ला चुका है देन यहां पर पास लिखा हुआ जाए, अदरवाइज फेल. तो इसे कैसे लाया जाएगा वो हम देखेंगे. यहां पर पूरी सिचुएशन मैंने एक ऐसा बनाया है कि आप ये समझ सको कि आप जो यहां पर पढ़ रहे हो, यहां पर जो पढ़ाई कर रहे हो और ये सिचुएशन एक्चुअल में होती है. हम लोग इसको कंसीडर करते हैं आपकी पूरी की पूरी, ठीक है ना. लाइक आप जो यहां पर मॉड्यूल्स वर्क कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम सब कुछ यहां पर डिस्क्लोज करते हैं. तो देखिएगा इसमें सबसे पहले देखिए इसमें कैसे निकालेंगे. आप लोगों को किसी को पता है कैसे निकालेंगे, पहले मुझे बताओ. आप लोग किसी को इसका आंसर पता है कैसे निकाल सकता है? इफ कंडीशन से कैसे निकालेंगे यहां पर पास और कंडीशन के लिए कैसे लगाएंगे? जो टोटल है सर वो सेलेक्ट करेंगे, फिर वो मतलब कि जो ग्रेटर देन वो हो जाएगा, नहीं लेस देन, हाँ इक्वल टू ये हो जाएगा 170. यस में दे देंगे जो ट्रू है सर, उसमें वो दे देंगे पास और वो अदरवाइज फेल दे देंगे. वेरी गुड. तो जैसे आपने बिल्कुल करेक्ट बताया, तो अब इसको इसी सिचुएशन को मैं लगा के दिखाता हूँ, ठीक है यहाँ पर. तो देखिए कैसे लगाएंगे इसे. तो हम कैसे लगाएंगे? इज इक्वल टू इफ, आप लोग बताइएगा मुझे कैसे लगाएंगे. इफ माइक का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना. इफ लगाएंगे, ठीक है, इफ लगाएंगे हम लोग. और इफ में लगाने के बाद लॉजिकल टेस्ट, सबसे पहले क्या पूछा है इसमें? लॉजिकल टेस्ट. देखो इसको, इस सिचुएशन को जब कभी भी इस फॉर्मुले को लगाना होगा ना आपको, आप लोगों को कोशिश ये करना है कि लैंग्वेज एक सही तरीके से प्रेजेंट करनी है. देखो होता क्या है, यहां पर आप ये बोल रहे हो कि पास होगा या फेल होगा, कैसे डिसाइड होगा? इसके 170 से स्कोर से. तो इस सिचुएशन को अगर मैं किसी को बोल के बताऊंगा, कंडीशन तो बाद में लगाएंगे, पहले हम इस कंडीशन को समझते हैं कि कैसे बोला जा सकता है. तो आप इसे किसी को बोल के बताएंगे तो कैसे बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे कि अगर हम ये बोल सकते हैं, दो तरीके से बात बोलने का तरीका हो सकता है. अगर ये मार्क्स जो आए 170 से ऊपर है तो पास, नहीं तो फिर फेल. दूसरा तरीका एक और होता है, किस तरीके जैसे बोला जा सकता है, ये भी तो बोला जा सकता है कि यहां पर पास लिखा आ जाए, यहां पर पास लिखा आ जाए अगर 175 से ऊपर है तो. तो इस कंडीशन में क्या हुआ, पहले रिजल्ट बोला उसके बाद कंडीशन बोली. और पहले वाली कंडीशन मैंने क्या बोला था, अगर यहां पर जो लिखी हुई फिगर है वो 175 से ऊपर है, 170 से ऊपर है, मींस मैंने पहले कंडीशन बोली. दो तरीके से बोला जा सकता है, पहले वाले कंडीशन में मैंने बोला कि पहले मैंने बोली कंडीशन फिर उसके बाद रिजल्ट बोला, और दूसरे वाले वे में क्या बोला था, पहले रिजल्ट बोल दिया कि यहां पे पास आ जाए उसके बाद कंडीशन बोल रहा हूं अगर यहां पे 170 से ऊपर है तो. तो हमें ऐसे नहीं बोलना, हमें पहले क्या कहां से स्टार्ट करना है वर्ड, अगर से. और जैसे बोल रहा हूं ना वैसे टाइप करना है, बड़ा इजी एक तरीका है. सबसे पहले आपको जैसे आप बोल रहे हो ना वैसे टाइप करना है. कैसे लिखोगे? देखो अगर के लिए इंग्लिश को क्या बोलते हैं, इफ. अब वो पूछा लॉजिकल टेस्ट, मैं क्या टेस्ट करूं, क्या चीज टेस्ट करूं? तो मैंने बोला कि यहां पर जो फिगर लिखी है उसे टेस्ट करो, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 170. वेरी गुड. लेन अब देखो यहां पर फॉर्मुले के साथ साथ पढ़ते रहो, हमारा लॉजिकल टेस्ट तो हमने डाल दिया ना कि क्या चीज टेस्ट करवानी है हमें, उसके बाद फॉर्मुले में आगे बढ़ना है तो हमें क्या डालना होगा, कॉमा. नेक्स्ट स्टेप में पहुंचने के लिए कॉमा. अब जैसे नेक्स्ट स्टेप में पहुंचे तो यहां पर वैल्यू इफ ट्रू आ रहा है ना लिखा हुआ. तो अगर मेरी ट्रू वैल्यू, अगर ये पास, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या आ जाए, कौन सी वैल्यू आ जाए? पास लिखा आ जाए. एक चीज ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले के अंदर जब भी टेक्स्ट लिखा जाएगा उसे डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर, तो हम लिखेंगे यहां पर पास. पास
ठीक है, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज देन कॉमा व्हाट आर इफ वैल्यू इज फॉल्स, अगर बात गलत हुई तो मैंने कहा यार तो फेल आ जाए, फिर क्या आ जाए फेल, तो डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज एंटर, एंटर कर दिया, यहां पर क्या आ गया पास। इसके बाद मैसेज जैसे ट्रैक करूंगा, देखो जैसे मैं इसे ड्रैग करूंगा तो इस शब्द का फॉर्मूला लग जाएगा, और आप ये देखोगे कि जहां जहां 170 से ऊपर है वो पास हो गए, अदरवाइज यहां पर क्या आया ये फेल आ गया। तो मेरे लिए इजी हो गया काम, एक जगह पे फॉर्मूला लगाया बाकी जगह ड्रैग करा, तो हमारी पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। नेक्स्ट कंडीशन इज परफॉर्मेंस, अब हमें यह भी देखना है कि किस बंदे का क्या परफॉर्मेंस है, तो मैं उसको एक जज करना चाहता हूं, वो एवरेज स्टूडेंट है, पुअर स्टूडेंट है, उस पर वर्क करना चाहिए या उसकी कंडीशन अच्छी है, तो कैसे पता चलेगा। मैंने एक क्राइटेरिया बनाया यहां पर और मैंने यहां पे लिखा, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ये कंडीशन ये दिख रही है, इसमें ये दिख रहा है कि मैंने बोला परफॉर्मेंस जो आएगी वो बेस आएगा ये कि अगर 0 से लेकर 100 तक है किसी के मार्क्स है, तो इसका मतलब वो अब इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, मतलब उसके ऊपर मुझे वर्क करने की जरूरत है, तो पुअर कंडीशन में मैं डाल रहा हूं उसे। 100 से लेकर 200 तक है तो इसका मतलब वो अच्छी कंडीशन में है, और 200 से ऊपर है तो अच्छा है, ठीक है वो बहुत बढ़िया चल रहा है अभी, एक्सीलेंट कंडीशन में हम उसे डाल सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया मैंने सेट किया, अब इसको कैसे बोला जाएगा, मैं कैसे बोल रहा हूं इसे, बिटवीन व्हील कंडीशन, 0 से ऊपर हो 100 से नीचे हो तो पुअर, 100 से ऊपर हो 200 से नीचे हो तो गुड, 200 से ऊपर हो 300 से नीचे हो तो एक्सीलेंट। ये थोड़ा सा ना इसको और लैंग्वेज को ना आसान करा जा सकता है, कैसे, अगर मैं ये बोल दूं कि 100 से नीचे हो तो पुअर, 200 से नीचे हो तो गुड, तो क्या मुझे बोलने की जरूरत है कि 100 और 200 के बीच में गुड होगा, जब मैंने बता दिया 100 से नीचे किसी का स्कोर होगा तो क्या आ जाए गुड, तो मुझे बताने की क्या जरूरत है 100 और 200 के बीच में गुड होगा, तो मैं सिंपल ये बिटवीन वाली ना बोल करके यही बोल देता हूं कि लेस देन 100 हो पुअर, लेस देन 200 हो तो गुड, नहीं तो फिर एक्सीलेंट, बची कंडीशन क्या हुई एक्सीलेंट होगी, तो ये कंडीशन मैं दे सकता हूं, या ऐसे भी बोल सकता हूं कि 300 से ये 200 से ऊपर हो तो एक्सीलेंट, ठीक है ना, 100 से ऊपर हो तो गुड, नहीं तो फिर तो ग्रेटर देन वाली बात भी बोल सकता हूँ, लेस देन वाली बात भी बोल सकता हूँ, क्योंकि एक ही सेल के ऊपर रेफरेंस रखना है। तो इस फॉर्मूले को कैसे लगाया जाएगा बताइएगा मुझे, कैसे लगा सकते हैं, हाँ आ रहा है, तो अब क्या क्वेश्चन लग सकता है आपके, क्या कैसे लगाया जाएगा इस फॉर्मूले को, कैसे लगा सकते हैं, अगर कैसे लगाए बताओ जिससे बताओ, सर सेल सेलेक्ट करेंगे पहले, सर टोटल वाला, हाँ मुझे बताओ, उनको माइक को बताएंगे क्या, हाँ बताओ सर, जैसे हम गेटर में लगाएंगे तो जैसे 200 से ज्यादा हो तो एक्सीलेंट आना चाहिए, हाँ, और अगर 100 से ज्यादा हो तो फिर गुड आना चाहिए, अब 100 अदरवाइज 100 से नीचे तो मैं लगाऊं कैसे, इस फॉर्मूले को कैसे लगाऊं, सर 200 देव जरा इनको माइक को बताइए, बताओ बताओ बताओ, हां चलो ठीक तो बताओ बताओ सर, इसमें जैसे ये बोलेंगे इफ कंडीशन लगेगी, इक्वल्स टू इफ, इफ इफ ये अभी सर लॉजिकल टेस्ट पूछा उसने, तो हम क्या देंगे, इफ F4 दिस सेल इज ग्रेटर देन या लेस देन की कंडीशन लेके चलते हैं हम लोग, लेस देन इक्वल्स टू कितना 100, तो क्या आ जाए कॉमा लगाया तो ट्रू वैल्यू क्या आ जाए पुअर, तो पुअर लिख दिया हमने, ठीक है ना, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसी सेल में एक और कंडीशन है, मतलब एक ही सेल की कंडीशन है, इसलिए से क्या बोलेगा नेस्टेड है, तो यहां पर हम नेस्टेड इफ लगाएंगे, क्योंकि एक ही सेल के अंदर अलग अलग मल्टीपल कंडीशन बोली, ये है तो ये आ जाए, ये है तो ये आ जाए, तो हम क्या लगाएंगे, इफ दिस सेल इज लेस देन इक्वल टू, सेल नहीं सेलेक्ट किया हमने, दिस सेल इज लेस देन इक्वल टू, एक मिनट, इफ के बाद कॉमन ही लगाया इसलिए, ठीक है ना, इफ दिस सेल इज लेस देन इक्वल टू 200 तो क्या आ जाए, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है, अदरवाइज लास्ट कंडीशन के लिए हम क्या बोलेंगे एक्सीलेंट। तो मोर ऑन ये ना फॉर्मूला नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, जो मैं लैंग्वेज देखो, अगर आपको कोई चीज आंसर किसी से चाहिए तो आपको उसे सही तरीके से बोलना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा उसको, उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। तो मैंने अगर आपको ये बताना है कि भाई यहां पर क्या आ जाए पुअर लिख देना, यहां पर गुड लिख देना, अगर मैं एज अ सॉफ्टवेयर की बात ना करता हूं कि अगर आपको ये समझा के जाता हूं, तो मैं एक लैंग्वेज तो बोलूंगा ना आपको, मैं ये बोलूंगा भाई देखो अगर किसी के मार्क्स 100 से ऊपर आए
तो यहाँ पे पुअर लिख देना, और अगर 200 से ऊपर आए तो फिर गुड लिख देना, नहीं तो फिर एक्सेलेंट लिख देना। तो वही तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं, ऐसे तो मैंने लिखा। अगर यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है किधर, इस सेल में इज ग्रेटर देन इक्वल इज लेस देन इक्वल टू 100, तो क्या आ जाए, पुअर आ जाए। फिर मैंने बोला अगर, अपने मैंने बोला भी तो था अगर दिस सेल इज लेस देन इक्वल टू 200 तो गुड आ जाए, नहीं तो फिर एक्सीलेंट। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं इस फॉर्मुले के अंदर हूं ना, तो पहले इस फॉर्मुले को बंद करना पड़ेगा, तभी तो मैं इस फॉर्मुले पे पहुंचूंगा। तो देखो समझो इस फॉर्मुले को, इस फॉर्मुले में क्या बोला, पहले क्या है, ये जैसे मैं बंद करूंगा मैं पीछे वाले फॉर्मुले में पहुंच जाऊंगा। तो पीछे वाले फॉर्मुले के लिए लॉजिकल टेस्ट तो ये हो गया, और ट्रू वैल्यू क्या हो गई, ये देखो ये बोल्ड कलर में दिए, अगर ये बात सही है तो क्या आ जाए, पुअर। अदरवाइज फॉल्स वैल्यू क्या होगा इसके लिए, यहां से लेकर यहां तक पूरा, ये तो हो गया उसका फॉल्स वैल्यू। तो इसके बाद इसे मैं क्लोज कर देता हूं। तो दोनों ब्रैकेट बंद कर दिए हमने, दो ब्रैकेट खोले थे तो दो ब्रैकेट ही बंद करने पड़ेंगे, एंटर करेंगे, जहां ये क्राइटेरिया फॉल करेगा उसी कॉल में यहां पर ये आंसर आ जाएगा। अगर आप इसमें देखोगे तो जहां जहां किसके ऊपर है 100 और 200 के बीच वाले गुड आ रहे हैं, एक्सीलेंट, और यहां पर ये वैल्यू आ, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी का कोई डाउट, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट सिचुएशन बनाई है मैंने इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप के लिए क्या है, इंटर्नशिप के लिए हमने बोला कि इंटर्नशिप मिलेगी किसे, इंटर्नशिप उसी को मिलेगी क्योंकि हमारे तीन क्राइटेरिया है, क्योंकि इंटर्नशिप हमें सीए के पास भेजेंगे, तो सीए के पास जाने के लिए आपके पास बीए का मॉड्यूल क्लियर होना चाहिए, टैली का मॉड्यूल क्रिएट होना चाहिए, और एमएस ऑफिस, तीन चीजें आपको आनी आनी चाहिए। अकाउंटिंग आनी चाहिए, बीए मतलब बिजनेस अकाउंटिंग, आपको बेसिक अकाउंटिंग आनी चाहिए, आपके पास टैली का कमांड होना चाहिए आपके हाथ में, और एक्सेल, तीनों में जब आप क्वालिफाई करोगे तभी आप इंटर्नशिप भेज सकते हैं, नहीं तो फिर वहां पर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो कैसे आपको भेज गए। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो गए। तो एलिजिबिलिटी कैसे बताई, कि तीनों में अगर पास है, तीनों में पास का मतलब क्या है, 50 से ऊपर मार्क्स आने चाहिए, अगर एक सब्जेक्ट के 100 में से मार्क्स आ रहे हैं तो 50 मार्क्स हर सब्जेक्ट में ऊपर होने चाहिए, और तीनों कंडीशन पूरा होना जरूरी है, तीनों बातें पूरी करते हैं अगर वो, तो ही उन्हें क्या मिलेगा, इंटर्नशिप मिलेगी। तो इसका मतलब है एक पर्सन को तीन कंडीशंस पूरी करनी है यहां पर। अब इसमें और इस जो मैंने अभी बताया नेस्टेड, इन दोनों में कंपैरिजन कर जाता है इंसान, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो इस वाले में केस में क्या था, इसमें एक ही कंडीशन पूरी करनी है, लेकिन उनमें से एक ही सेल की एक ही अलग अलग कंडीशन थी, यहां पर ये लिखा हो यहां पर लिखा। अब की बार मैं दो तीन अलग अलग सेलों की सिचुएशन पूछ रहा हूं आपसे, कि अगर यहां पर जो फिगर लिखी है बीए में, ये 50 से ऊपर है, ये 50 से ऊपर है, और ये भी 50 से ऊपर है, तो क्या लिखा जाए, यस इंटर्नशिप यस, अदरवाइज नो। तो मैं कैसे बोलूंगा किसी को, अगर ये बात बोल के बताऊंगा तो, अगर दिस एंड दिस कंडीशन इज कंप्लीटेड बाय यू देन वी विल गिव यू दिस थिंग इंटर्नशिप यस। इट मींस मैंने क्या इस्तेमाल करा वर्ड, इफ एंड, ये तीनों बातें कंप्लीट कंबाइंड पूरा करने के लिए हम एंड का वर्ड तो इस्तेमाल करते ही है, तो वैसे हमें लिखना है। तो जैसे मैं इसे बोल रहा हूं वैसे टाइप करूंगा, कैसे टाइप करेंगे देखो, अगर इफ, अब लॉजिकल टेस्ट एक नहीं है, तीन है, तीनों को कंप्लीट करना जरूरी है, तो यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा लॉजिकल टेस्ट में, एंड लगाया हमने, एंड लगाने के बाद उससे पूछा लॉजिक वाला बताओ, तो मैंने बोला दिस सेल शुड बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन या बराबर होना चाहिए 50 के, दूसरा दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, और ये वाला भी कॉमा लगा करके तीसरी कंडीशन दे दी, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, राइट। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैं एंड की सारी कंडीशन लगा चुका हूं यहां पर, जब मैं यहां पर एंड की तीनों कंडीशन लगा चुका हूं, जब मैं यहां पर तीनों कंडीशन लगा चुका हूं, तो मुझे ये क्लोज करना चाहिए ना, एंड के फॉर्मुले के अंदर ही तो वर्क कर रहा हूं मैं अभी, अगर एंड की मेरी सारी बात हो चुकी है तो इसका मतलब एंड के फॉर्मुले को मुझे बंद करना चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तब मैं इफ के अंदर आ जाऊंगा, उसके बाद कॉमा लगाएंगे हम। अभी पूछा अगर ये तीनों बातें पूरी होती है तो ट्रू वैल्यू क्या आ जाए, तो क्या आ जाए, यस। तो डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखेंगे, यस, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, और अदरवाइज क्या करेंगे, नो, तो डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन और नो, तो फॉल्स वैल्यू होगी, तो अगर इसमें से कोई भी एक बात पूरी नहीं होती तो नो, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो किसी को भी इंटर्नशिप नहीं मिल रही है सिर्फ इन लोगों के अलावा। अब यहां पर आप देखोगे ये तीनों ही सब्जेक्ट में पास है, भाई अमन मेहर जो है वो एक जगह फेल हो गए बीसीए में, इस वजह से उन्हें इंटर्नशिप
नहीं मिल पा रही है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर भी कौन एक टैली में पास फेल हो चुके हैं, नीरज। अगर यहाँ पे बात करी जाए अंकुश, तो अंकुश जो है वो तीनों जगह पे पास है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा आ गया, यस। तो आप इसमें देख सकते हो कि क्राइटेरिया एक जगह लगाया आपने, बाकी जगह पर है आप लग गया, तो मेरे लिए हेल्प हो गया ना, मेरे को बार बार देखना नहीं पड़ेगा किसे इंटर्नशिप में भेजना है किसको नहीं। एक बार फॉर्मला लगा दिया, अब तो जो जो स्टूडेंट मेरे पास आएंगे मैं इनका स्टूडेंट का नाम और यहाँ पे स्कोर बदलूंगा, वो मुझे सारा रिजल्ट दे देगा अपना, राइट। आगे बढ़े, इसके बाद आता है एटीजे कार्ड। आप एटीजे कार्ड के बारे में तो जानते होंगे, एनी टाइम जॉब गारंटी। तो उसमें उसकी क्राइटेरिया क्या है, हम लोगों ने बोला कि भाई अगर एक भी सब्जेक्ट में आप इसमें एनी टाइम इफ फेल इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए, सब में नहीं किसी एक में फेल हो गए, तो भी आपको क्या मिलेगा, नहीं जॉब कार्ड नहीं मिलेगा। ये तीनों मॉड्यूल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इनमें फेल हो गए तो हम आपको कार्ड नहीं दे पाएंगे। और आपने पेपर ही नहीं अप्लाई करा, मतलब फेल होना मतलब यहाँ पर क्या है कि आप फेल ही होते जा रहे हो और आप इसमें क्लियर ही नहीं करा आपने, अगर इस पेपर को क्लियर नहीं करा तो हम क्या कर देंगे, आपको कार्ड नहीं दे पाएंगे, करेक्ट है ना। तो अब हम ये देख रहे हैं किसी एक में भी, अभी तो हमने देखा था किसी सब में, अब हम देख रहे हैं किसी एक में भी 50 से नीचे मार्क्स है तो कार्ड नहीं मिलेगा, कार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या कंडीशन लगेगी, इफ और कंडीशन लगेगी ना, किसी एक में भी इफ और कंडीशन लगाई, क्योंकि और मतलब होता है ना कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन भी आप पूरी कर दो तो हम आपको ये नहीं देंगे, नो, यहां पे नो आ जाए। तो मैंने क्या बोला, इफ दिस सेल इज इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, अगर नहीं है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाए, नो, अगर इससे बड़ा नहीं है तो हमारा क्या आ जाए, यहां पर नो ही आ जाए ना, क्योंकि उससे नहीं मिलेगा फ्री कार्ड, अदरवाइज यस। ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर, तो यहां पर इसके नो आ गया, यहां पर लिखा हुआ क्लियर, ठीक है। तो हमारे यहां पर कंडीशन बन जाएगी, लास्ट कंडीशन बचती है हमारी री एग्जाम। अब ये री एग्जाम का क्या मतलब है, री एग्जाम का मतलब है इफ नॉट पास, अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी इंसान पास नहीं हुआ है, इसका मतलब फेल हुआ है वो, अगर फेल हो चुका है तो फिर उसे क्या देना पड़ेगा, 300 रुपए की फीस देनी पड़ेगी री एग्जामिनेशन। तो हम ये निकालना चाह रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो फेल हो चुके हैं और उनकी 300 रुपए की फीस ड्यू है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं। तो यहां पर इफ नॉट, अगर पास नहीं हुआ है कोई पास, अब एक कंडीशन ऐसे भी बोल सकता हूं, पास हो गया तो कुछ भी नहीं तो फिर 300, लेकिन अब की बार मैं लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर पास नहीं हुआ तो कैसे बनाएंगे, देखो देखो, अगर इफ नॉट कौन सी कंडीशन, ये वाली, इफ यहां पर जो लिखी हुई वैल्यू है वो पास नहीं है, यहां पे पास नहीं लिखा हुआ, नॉट का मतलब ये तो होता है कि अगर ये बात नहीं है तो क्या आ जाए, यहां पे लिखा हुआ ट्रू वैल्यू 300, अदरवाइज जीरो, यही तो बोलेंगे हम कि अगर यहां पे उधर पास नहीं लिखा हुआ है, अगर इस सेल में जो फिगर लिखी है वो पास नहीं लिखी है, तो इसके वाले क्या लिखी है, फेल। तो अगर यहां पे पास नहीं लिखा है तो क्या लिखा दे, 300, अदरवाइज जीरो। तो हम इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, और जैसे एंटर करेंगे आप फिगर्स आ जाएगी आपकी और इसमें आप इसे ड्रैग कर दोगे, तो जहां जहां पास नहीं लिखा होगा, फेल लिखा होगा, उसी के सामने देखो ये आपके पास लिखा आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है फेल। ये पूरा क्राइटेरिया था जो मैंने बनाया, ये एक सिचुएशन है, आप हिसाब से आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप जिस कंडीशन में जिस भी क्राइटेरिया में वर्क कर रहे हैं, जहां पर भी आपको सिचुएशन मिली है, वहां पर अगर कंडीशंस बोली गई हैं कि इस कंडीशन के बेस पे ये चीज लिखी आ जाए, तो आप लॉजिकल फंक्शन से उसे निकाल सकते हैं। इसमें कहीं डाउट है, किसी चीज को पूछना हो तो आप भी पूछना हो, बताओ किसी को कुछ पूछना है, नहीं, ठीक है सर, ये जो एंड वाला जो कंडीशन है नहीं, खाली एंड भी स्टार्ट किया जा सकता है, एंड बहुत सारी कंडीशन में इस्तेमाल हो सकता है हर जगह,
ऐसा नहीं कि इफ से इसके साथ भी सम इफ के साथ भी, मतलब आप कहीं पे भी एंड का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड सिर्फ यही है कि सिर्फ एक इसी जगह पे इस्तेमाल होगा एंड, और जो ये अपने आप इंडिविजुअल फंक्शन है ये किसी भी फंक्शन में कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। डेटा वैलिडेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, डेटा वैलिडेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अलग अलग जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आप में इंडिविजुअल फंक्शन है, वो बस कंबाइन किया गया किसके साथ, लॉजिकल फंक्शन के साथ, इफ के साथ, ठीक है। और कुछ किसी को पूछ रहा हूं? बस ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो अब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा।